बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्टूडियो में। लगातार हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी, और साथ ही साथ लगातार हमें उपाय बता रहे हैं किस तरीके से आज के दिन का ज्यादा से ज्यादा लाभ हम उठा सकते हैं, कैसे हमारे घर में सुख समृद्धि आ सकती है। और चलिए अब हम जानेंगे कि तुला राशि के जातक कैसे पूजा करें और किस किस तरह के उपाय कर सकते हैं ताकि आज के दिन का, आज की इस शुभ तिथि का उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन प्रभु श्री लीलाधर का स्मरण करके गंगा जल से आपको उनका अभिषेक करना चाहिए और खोए से निर्मित बर्फी का आपको नैवेद्य का आपको भोग अर्पण करना है, और उसके बाद ओम क्लिंग गोपीजन वल्लभाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, और लीलाधराय नमः इस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना है। जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि हवन सामग्री में कन्या राशि वाले जातक लोगों को सफेद तिल मिलाना था, वहीं आप लोगों को, तुला राशि वाले जातक लोगों को हवन सामग्री में शहद मिला करके उससे अभिषेक करना चाहिए। ये बहुत ही विशेष प्रयोग है। यदि इस विशेष प्रयोग को आप करते हैं तो जो भी आपके ऊपर कर्ज की समस्या है या संपत्ति का कोई वाद विवाद चल रहा, आप संपत्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको वो संपत्ति की प्राप्ति नहीं हो पा रही, वाहन की बार बार दुर्घटना होती है, चोट चपेट एक्सीडेंट की स्थिति परिवार में रहती है, हर प्रकार के अरिष्ट योगों को नाश करने के लिए ये प्रयोग भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही माना हुआ है, तो हवन सामग्री में थोड़ा सा शहद मिलाएं, उससे कुछ आहुतियां दें, जो मंत्र मैंने बताया, बहुत अच्छा फायदा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले किस तरीके से आज के दिन का लाभ उठाएं, कैसे श्री कृष्ण का पूजन करें, कैसे उनके अर्चना करें, आराधना करें और क्या कुछ उपाय करें ताकि उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन में प्रभु का वाराह स्वरूप का स्मरण करके शहद से उनका अभिषेक करना चाहिए। ऋतु फल का भोग आप अर्पित करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ऋतु फल से तात्पर्य जो है मौसमी फलों से है, जो कुछ भी मौसमी फल आपको यहां मिल जाते हैं। ओम नमो नारायणाय पहला मंत्र तो ये रहा आपकी साधना के लिए, और दूसरा मंत्र है ओम वाराह नमः। इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करना चाहिए, और ये जो मंत्र मैं बता रहा हूं ये आपको तुलसी की माला पर या फिर कमलगट्टे की माला पर, वैजंती की माला पर, अगर कोई ऐसी विशेष माला ना मिले तो स्फटिक की माला पर आप इन मंत्रों का जाप करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप अपने लिए जो भी हवन सामग्री की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि आज की तिथि में श्री कृष्ण की आराधना करने का और हवन करने का विशेष महात्म्य है, गोवर्धन पर्वत का ध्यान करके उनके निमित्त हवन करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत जो है, गोवर्धन स्वरूप जो है, वो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप था, गोवर्धन स्वरूप धारण करके उन्होंने अपनी ही पूजा कराई थी, तो इस माध्यम से आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें, गोवर्धन स्वरूप की आराधना करें, और हवन सामग्री में इत्र मिला करके यदि आप कुछ आहुतियां देते हैं तो समझ लीजिए कि जीवन से दुखों का संहार कर देंगे भगवान श्री कृष्ण। जो भी कष्ट और दुख अभी तक आपने झेले हैं वो भविष्य में आपको दोबारा नहीं झेलने पड़ेंगे। और अब हम बात करेंगे धनु राशि की, जानेंगे क्या कुछ उपाय आज उनको करने चाहिए और किस तरीके से आज के दिन का लाभ वो उठा सकते हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में प्रभु के गुरु स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, और गुरु स्वरूप का स्मरण करके पंचामृत से आप अभिषेक करें, पंचमेवे का आप भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और जो मंत्रों का जाप करना है वो मैं बताता हूँ, श्री वृंदावनेश्वरी राधाये नमः ये तो पहला मंत्र रहा, और उसके बाद ओम जगत गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना भी आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। पंचमेवे में कमलगट्टा मिला करके आपको कुछ आहुतियां 11 या 21 आहुतियां अपने सामर्थ्य अनुसार आज अवश्य देनी चाहिए। और चलिए अब हम आचार्य जी से जान लेते हैं कि मकर राशि वाले गोवर्धन पूजा पर क्या करें और क्या उपाय करें। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन प्रभु के सुदर्शनधारी स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। दूध में शक्कर मिला करके आप भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें, माखन और मिश्री का भोग अर्पित करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का बहुत सरल सा साधन है कि आप माखन और मिश्री का भोग अर्पित करें, दूध से बने हुए नैवेद्य अर्पित करें तो भगवान श्री कृष्ण तत्काल प्रसन्न होते हैं। ओम क्लिंग कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्लिंग कृष्ण क्लिंग इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ओम पूतना जीविता हराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इन तीनों मंत्रों में से आपको किसी का भी, जो भी आपको आसान लगे उस मंत्र का जाप करना चाहिए। माखन और मिश्री मिला करके उसमें कुछ पंचमेवा मिला करके यदि आप हवन करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
और अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की, तो चलिए उन्हें भी बता देते हैं कि किस तरीके से वो आज के दिन का लाभ उठा सकते हैं, क्या कुछ पूजा आज करनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज प्रभु के दया रूप का, दयालु स्वरूप का स्मरण करना चाहिए और दूध में देसी घी मिलाकर के यदि आप भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं, मां राधा का अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पिस्ता और दूध से बनी हुई मिठाइयों का यदि आप भोग अर्पित करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण तत्काल प्रसन्न होंगे और जिन मंत्रों से आपको उनको सिद्ध करना है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, आइए वो भी जानते हैं। ह्रीं श्रीं राधाये स्वाहा, ये पहला मंत्र है और उसके बाद ओम दया निधाय नमः, इन दो विशेष मंत्रों का जाप आपको आज की तिथि में कर लेना चाहिए। ये आपके कल्याण के लिए है। जो भी मंत्र साधना मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने सामर्थ्य अनुसार यदि इनका प्रयोग करते हैं तो देवी देवताओं की कृपा आपको बहुत आसानी से मिलती है। आपको तमाम दुनिया भर के और प्रयास करने, दूसरे और साधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इन मंत्रों के जाप के साथ साथ कुछ हवन भी अवश्य करना चाहिए। हवन आपकी साधना में पूर्णता लाता है। तो आज की तिथि में लौंग, इलायची और मिश्री मिलाकर के हवन करना चाहिए, वह आपके लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ और हितकारी होगा। तो बिल्कुल अब बारी है 12वीं राशि की, यानी कि मीन राशि की। जान लेते हैं कि आज के दिन का लाभ वो कैसे उठाएं, किस तरीके से पूजन अर्चन करें आज। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में भगवान श्री कृष्ण के नटखट बाल स्वरूप का स्मरण करना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए, उनका ही गुणगान करना चाहिए, उनके ही नाम का संकीर्तन करना चाहिए। आज की तिथि में गंगा जल में शहद मिलाकर के यदि आप अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। पंचामृत और गुलाब जामुन का भोग यदि आप भगवान श्री कृष्ण और मां राधा को अर्पित करें तो आपका हर प्रकार से कल्याण होगा। ओम यशोदा वत्सलाय नमः, ये पहला मंत्र है जो आपको जाप करना है। मंत्र पुनः सुन लें, ओम यशोदा वत्सलाय नमः और उसके बाद ओम विष्णवे नमः, इन दो मंत्रों का जाप आपको आज पूरी दिनचर्या में करना है। माखन मिश्री के साथ यदि आप कुछ पंचमेवे के साथ माखन मिश्री मिलाकर के यदि आप हवन करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, शांति जी मेरठ से हमारे साथ। शांति जी आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दीजिए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, मैं मेरठ से बोल रही हूँ। मेरी समस्या ये है कि मैं एक जॉब करती हूँ, मैं चाहती हूँ उस जॉब में कब मेरी तरक्की होगी। मेरी जन्म तिथि है 8 मई 1988। जी। जन्म स्थान गोरखपुर। जी समय बता दें। सुबह 3:55। जी जी बिल्कुल, आपने जो प्रश्न किया आपके नौकरी में आपको लाभ कब मिलेगा, तो आपकी नौकरी में वृद्धि के संयोग बनते हुए बहुत अच्छे बनते हैं। राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा है और बुध का ही प्रत्यंतर है, तो ऐसे में यदि आप कुछ प्रयास करें तो बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। उच्च के सूर्य आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो सूर्य की जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी है, ऐसे में आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए। आपकी कुंडली का योग ये बताता है कि हाल फिलहाल में यानी निकट भविष्य में आपको बहुत अच्छे धन लाभ की स्थिति बन सकती है, तो ऐसे में आप सूर्यदेव को जल दें और उसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। आज की तिथि में संध्या काल में घर के आसपास जो भी हनुमान मंदिर है आप वहां जाइए, सरसों के तेल का एक दीपक वहां पे लगा दीजिए हनुमान जी के समक्ष और वहीं बैठ करके 7 पाठ हनुमान चालीसा करिए। बहुत चमत्कारी प्रयोग है, आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा और आज से लेकर के 45 दिन में आपको अपनी नौकरी से जुड़ा हुआ कोई बहुत अच्छा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। और कार्यक्रम में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि आचार्य जी आगे हमें बताने वाले हैं कि गोवर्धन पूजा की जो कथा है, जो गोवर्धन की कथा है वो क्या कथा है। और आपको बता दें इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है, आपका जीवन सफल होता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होते हैं हम।